एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और सर्दी बहुत अच्छे से हो रही है, तबीयत मेरी ख़राब चल रही है। और ये ना दो तीन दिन पुराने वाले व्लॉग्स हैं जो पिछले दिनों में आते लेकिन नहीं आ पाए, सो अब मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ तो एडिट कर रही हूँ। यहाँ पे परिकाना जी को निला रही है। हर दिन जब मैं ठीक नहीं होती हूँ, बुखार फीवर कुछ भी होता है, यानी कि मंथली प्रॉब्लम भी होती है, तो भी परी करती है। यहाँ पर मैंने बनाए हैं ब्रेड के सैंडविचेस, टोस्ट वगैरह बनाए हैं। वैसे तो मेरे पास टोस्ट मेकर है लेकिन आज मैंने, मेरे बैग से काम ही नहीं हो पा रहा था तो मैं झुक झुक के नहीं निकाल रही थी चीज़ें, तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही बना दिया था। और लंच पैक किया था, थोड़े से बॉयल्ड आलू मैंने रख लिए थे। ये स्टैंड को मैं यूज़ करती हूँ जब भी, मतलब मैं टोस्ट वगैरह बनाती हूँ। तो यहाँ पर सैंडविच कैसे बन रहे? अच्छे लगे? पराठे कह रही थी रात, इसने मेरे को बोला सैंडविच बना दो, सुबह कह रही पराठे बना दो। कैसे लगा आपको जब आपने ब्रेड मंगवाई थी? इतने आलू तो वो तो मैंने थोड़े से बचा लिए थे ना। हो गए रेडी? चलो नाश्ता करो, ये लंच रखो अपना। किसी दूसरे के दिमाग से नहीं बोलता, इतना तो सब में दिमाग होता है। देखो दीदी जी, सही कह रहे हैं पिंकी जी। नई दी प्रिंस ने बोला है अपने ब्लॉग में कि भाभी ने मोनिका लाइफ में जो प्रूफ दिए हैं उससे मेरे भाई बहुत हुआ है। कौन से जो प्रूफ है उसको डेढ़ साल से हट कर रखा था, तू तो उसने तो कुछ प्रूफ ही दिए हैं, तू तो पूरी रंगसलिया बना के आ गया उसके पीठ पीछे, उसके ही घर में वो हट नहीं हुई, वो हट नहीं हुई। दीदी के जो शब्द बोलने से इतना हार्ट हो गया। पढ़ो, पूर्णिमा जी कह रहे हैं कम्युनिटी आई है। अरे देखते हैं सबको, दो मिनट में देखते हैं क्या लिखा है। सो गाइस, दोपहर के करीब 2:30 बज रहे होंगे, क्योंकि 2 बजे तो परी स्कूल से आती है, तो वो स्कूल से आ गई थी और उसने अपना शॉर्ट्स पहना था, ये ब्लैक कलर का। और जी हाँ, आज तो पतिदेव भी व्लॉग में थे, सुबह नाश्ते करते हुए मैंने उनको, हालांकि वो कैमरे के सामने ना थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब मतलब मैंने बोला है कि यार सबके हस्बैंड बनाते हैं व्लॉग, खुद भी आते हैं और वाइफ का व्लॉग शूट भी करते हैं, तो वो आने लगे। लेकिन ये दिक्कत ना उनके साथ नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो मतलब साथ वाले, मतलब क्योंकि जान पहचान वाले रिलेटिव्स वगैरह देखते हैं तो मतलब मजाक बनाते हैं, यार एक बंदा है नहीं आता कैमरा पकड़ना या जो भी है। कुछ लोग तो मुझे ही बोलने लग जाते हैं कि क्या करती हो, झाड़ू पोछे का व्लॉग बनाती हो, कपड़े धो, कपड़े अलमारी, खाना बनाने का व्लॉग बनाती हो, कौन सा तुम कुछ स्पेशल करती हो, मतलब बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं क्या ही सोच है। खैर, किसी की सोच नहीं बदलनी है। तो यहाँ पर ना मैं कुछ कपड़े सेलेक्ट कर रही हूँ, मैं अपने जैसे जो कपड़े मैं नहीं पहनती उनको मैं निकालती रहती हूँ, तो यहाँ पर मैंने कुछ साड़ियाँ वगैरह अपनी निकाली हैं। ये इनमें से एक दो साड़ी मैंने पहनी है और 4-5 तो ऐसी मिल गई जो मैंने नहीं पहनी है, क्योंकि मैंने ना दोबारा से वेट मेरा बढ़ रहा है और दिक्कत ये है कि मेरी तबीयत उसी वजह से ज़्यादा लंबे टाइम से ख़राब है। और वेट भी क्यों बढ़ रहा है, उसका मतलब जो कारण है वो है PCOD। जी हाँ, अगर आपको थायराइड नहीं है, शुगर नहीं है, कोई भी वैसी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी डाइट मेंटेन है, आप लिमिटेड डाइट लेते हो, उसके बाद भी अगर आप वेट गेन कर रहे हो तो उसका एक मेन रीज़न PCOD और PCOS हो सकता है, ये औरतों के लिए है। तो यहाँ पर परी मेरे लिए पता नहीं ये क्या लाई थी,
जी हाँ, ये पोहा लाई थी, मुझे याद आ गया, परी मेरे लिए पोहा लाई थी, तो मैं पूछ रही थी उससे कि आपने इसमें मिर्ची नहीं डाली है, तो वो बोल रही थी कि मम्मा मैं भूल गई हूँ। हालांकि बहुत अच्छा उसने पोहा बनाया था, तो गरम खा लिया था मैंने इसलिए। और यहाँ पर कपड़े जो है अलमारी मैंने अपने फिर से सेट कर ली, और जो विंटर वाले मेरे कपड़े हैं वो मैं रख ली हूँ स्टॉल वगैरह, क्योंकि वो मुझे मॉर्निंग में लगते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हाफ स्लीप पहन रही है, तबीयत ख़राब है, और तो गाइस मेरे साथ ये दिक्कत है कि मैं अगर काम कर रही हूँ तो मैं स्वेटर शॉल वगैरह नहीं ओढ़ सकती, नहीं पहन सकती। तो यहाँ पर अलमीरा मेरी सेट है। अब छोटे छोटे कपड़े, कुछ मैंने कपड़े ऐसे निकाले हैं जो मुझे नहीं चाहिए, और कुछ टॉवल्स हैं जो अवी का है, मेरा है, परी का है, वो सब मैं अलग अलग सिलेक्ट करके रख दे रही हूँ, और अब मैं यहाँ पर करूँगी क्लीन सब कुछ। ये मुंह से दोबारा उड़ानी पड़ेगी। मैंने दे दिखेगा तो मारने को। वाह, दिख नहीं रहा इसमें, इसमें दिख नहीं रहा इसका, मेरा दिख इसका नहीं दिख रहा। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो बिल्ला? वाओ, मेरे बेटे का डांस बिल्ला बना हुआ है मेरा बेटा। ये काली बिल्ली, काली बिल्ली म्याऊ। इन दोनों बहन भाइयों ने ना मेरी नाक में दम कर रखा है, इन दोनों बहन भाइयों ने ना मेरी नाक में दम कर रखा है। ये देखो म्याऊ क्या बिल्ला बिल्ली बने हुए, और ये तो अपने जूतों के साथ ही खेल रहा है। निकाल दिया भाई, पर क्या करें, आप लोग मेरी दुनिया हो, ठीक है। और पति देव नहीं है, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। सो गाइज, अभी शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ रोटी, और मेरी आदत है जब मैं रोटियाँ बनाती हूँ तो साथ के साथ अपना फ्लोर वगैरह साफ़ कर देती हूँ। हाँ, गैस को साफ़ नहीं करती, उसको लास्ट में करती हूँ। और आलू गाजर की सब्ज़ी मैंने बनाई आज, और रोटियाँ बनाई हैं, और यहाँ पर सलाद वगैरह काट रही है, और अभी थाली तैयार करूँगी पतिदेव और बच्चों के लिए, और फिर उनको दूंगी खाना। और मैं ना आजकल रोटियों को गैस पे डायरेक्ट नहीं सेकती हूँ, मतलब तवे के ऊपर ही उसको ऐसे कपड़े से या फिर रोटी डालकर सेक लेती हूँ, जिससे कि मतलब डायरेक्ट नहीं सेकती। पता नहीं क्यों, मैंने कहीं पढ़ा था कि गैस पे बनाने से रोटी डायरेक्ट सेकने से वो एसिड बनाती हैं या दिक्कत देती हैं, इस वजह से पहले मैं करती थी, लेकिन अब मैं ये करने लगी हूँ। और ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छे से रोटी सेक जाती है, टाइम नहीं लगता है, मतलब थोड़ा सा तो देखो लगता ही है। और नॉनस्टिक के बर्तन भी मैंने अपनी किचन से हटा दिए हैं, क्योंकि आजकल पति देव से डांट पड़ जा रही है। हाँ, ये एक तवा मैंने रखा है नॉनस्टिक वाला, क्योंकि इस पे या मैं टोस्ट भी बना लेती हूँ, और जैसे चीला वगैरह बनाते हैं ना तो चिपकता नहीं है, इसलिए। तो यहाँ पर गैस बंद कर दी है और रोटी को थोड़ा सा हल्का सा सेक रही हूँ, और बन गई मेरी, देखो रोटी सुंदर भी लगती है ना ऐसी रोटी सेकी हुई, तो मुझे अच्छी लगती है। तो यहाँ पर रोटी बन गई है मेरी।
सो गाइस, पतिदेव के बाद मैंने बच्चों को भी खाना दे दिया था, परी को, और खिला दिया था अवी को भी, और बर्तन साफ किया, किचन को क्लीन किया, इतना ही करती हूँ। दूध बॉईल करके रख दिया है, और इसी के साथ इस वीडियो को रोकूंगी मैं यहीं पे। फिर मिलूंगी, बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। राधे राधे।